From the director, who doesn't even know the story of his own movie. And this story. लेकिन उनको ये पता है कि स्पेशल इफेक्ट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. स्पेशल इफेक्ट्स है, रोमांटिक एंगल्स भी है, छेदारी नाक भी है, स्पिरिट भी है, एंड द रिंग है, मैट्रिक्स है, मिशन इम्पॉसिबल है, टर्मिनेटर है, द ममी है, एनाकोंडा है, एक्समैन है, दो सेंसुई के एड्स है. लेकिन सबसे जरूरी इसमें सोनू निगम है. कभी कुछ नहीं मांगा भैया, कभी कुछ नहीं मांगा, बचा लो इसमें कसम, मुझे बचा लो. इसने सोनू भाई ऐसे डायलॉग डिलीवरी आखिर कौन करता है. जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी. एक कॉलेज जहाँ 30-40 साल से कम उम्र के स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं. बट सीरियसली आदित्य पंचोली, क्या पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं लोग? और उनकी गर्लफ्रेंड्स जो इतनी अनइम्पोर्टेंट है कि उनका तो ऑडियो भी मिक्स नहीं किया गया था. उसकी सगी बहन थी, उसकी शक्ल हूबहू मुझसे मिलती थी. उसने दिव्या को वसुंधरा क्यों कहा? मुझे लगता है राजेश ने सबके ये डायलॉग्स क्या टॉयलेट में रिकॉर्ड करवाए थे. एंड नॉट जस्ट दैट, देयर इज एब्सोल्युटली नो साउंड डिजाइन इन दिस मूवी. मैं एक अनजान यात्री हूँ जिसके साथ तुम आखिरी सफर कर रहे हैं. यहाँ मेहनत नहीं करनी और चले जाएंगे स्विट्जरलैंड गाना बनाने. आज राजेश की शादी है और आज राजेश वो करेगा जो सभी लड़के शादी वाले दिन करना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ पुराने दिन याद करना. यारो दोस्ती. Just kidding, he just wants to bang his wife. But soon his wife turns into काफी खाते पीते घर की skeleton. And after pretty rough intercourse, राजेश की मौत हो जाती है. और उसकी mysterious मौत के बाद उसके सारे दोस्त कहते हैं, अच्छा हुआ कुत्ते से भी बदतर मौत मरे. Wait, what? अगर वो उन कमीनों को नहीं मारता तो मैं उन दोनों को अपने हाथों से मार डालता. अबे गली तो गले मिल मिल के बातें कर रहे थे, फ्री के खाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं. It's a story of six college students who were totally not way too old to be in college. क्या पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं लोग? लेकिन इनमें से राजेश और मदन बाकियों की तरह इंजीनियर्स नहीं बनना चाहते. They wanna become rapists. सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी? They try to rape Divya. और अभी मूवी हमें दिखाएगी कि रेप अटेम्प्ट करने वालों के साथ क्या होना चाहिए. उन्हें रेप करने का दूसरा मौका देना चाहिए. Come on यार दिव्या, माफ कर दे, गलती किसी से भी हो सकती है. तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर मरे हुए आदमी का भी दिल धड़क उठे. इंसान की पहली गलती तो भगवान भी माफ कर देता है. Is it just me or you guys also wanna punch him right in the throat? And now there's only one way to resolve a sexual assault situation. मैं एक जोक सुनाता हूँ और अगर दिव्या ने मुस्कुरा दिया तो समझो तुमको माफी हो गई. फिर एक दिन दिव्या लिप ग्लॉस, आई शेडो, आई लाइनर, लैशेज, कंसीलर, फाउंडेशन और थोड़ा सा ब्लश लगा के सो रही होती है और तभी एक आवाज उसे अपनी तरफ बुलाती है. And now I'm not sure what's happening here. She looks like she's having an orgasm, but I don't know. अगले दिन वो कार्डबोर्ड से बनी बिल्डिंग से होते हुए अपने कॉलेज जा रही होती है. And then suddenly a tree explodes. A snake turns into human. और ये सब देखने के बाद she is just casually having conversation with him. सांप और मेरा प्रेमी? Because you know who would run in this situation. Now she enters a flashback, जहां उसे पता चलता है कि पिछले जन्म में वो दूसरी दुनिया में रहती थी. It was a world of Windows XP screensavers. फिर एक दिन दोनों को बहुत गर्मी चढ़ती है. And after a groundbreaking performance, उन्हें श्राप मिलता है कि आज सूर्यास्त के समय उसकी मृत्यु हो जाएगी. और माफी मांगने के लिए वो अपना सर पत्थर पे बहुत ही सॉफ्टली पटकना शुरू करते हैं. लेकिन वो मर जाती है और अब कपिल दिव्या का 21st सेंचुरी तक वेट करेगा. मैं अपनी वसुंधरा को पाने के लिए सदियों प्रतीक्षा कर सकता हूँ. लेकिन अब उसे ये कौन बताए कि इस जमाने में लड़कियां सिंगल नहीं होती. एंड नाउ दिव्या इज लाइक आई हैव अ बॉयफ्रेंड. लेकिन कपिल फिर भी उसे मनाने की कोशिश करता है. समय आने पर उसका उत्तर भी. लेकिन एक मिनट. हेलो. वेट, डिड शी जस्ट पुट अ स्नेक ऑन होल्ड? लेकिन तभी ये दोनों दिव्या का रेप करते हैं. बिकॉज़ यू नो अगर वो रेप करने नहीं देगी तो हम लोग सब समझेंगे कि तुम्हें अपनी खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही गुरूर है. कांट बिलीव यही हरामखोर आखिरी में बच जाता है. फिर सभी दिव्या को जख्मी हालत में पाते हैं. दिव्या थिंक्स दे वर ऑल इन्वॉल्वड. ओह गॉड, कॉल अप द हॉस्पिटल, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ. ऐसी एक्टिंग देख के तो किसी को भी लगेगा कि फेक सिंपैथी दिखा रहे हैं. और ऐसी सिचुएशन में दे ऑल डिसाइड टू आर्ग्यू विद हर. तुम्हें हम लोगों पर इस तरह शक करने का कोई हक नहीं है दिव्या. दोस्ती का मतलब ये नहीं कि तुम हमें गालियां देती रहो. यू गाइस अंडरस्टैंड शी इज डाइंग राइट? और फिर तभी बहुत ही कैजुअली कपिल भी वहां आ जाता है और दिव्या की मौत के बाद वो भूत बन जाती है. एंड नाउ शी विल मेक श्योर टू पुट ऑन हर लिप ग्लॉस, आई शैडो, आईलाइनर, लैशेस, कंसीलर, फाउंडेशन. यू गेट द आईडिया. एंड कपिल टर्न्स इनटू सांप मैन एंड हिज सुपर पावर इज पुलिंग मोटरबाइक्स आउट ऑफ हिज एस. लेकिन फिर बीच बीच में भाई थोड़ी बहुत लाइफ एंजॉय भी कर लेता है. एंड नाउ दे ऑल गो टू फादर फॉर हेल्प, जो दिव्या की आत्मा को बुलाते हैं बड़े ही ठरकी तरीके से. आओ दिव्या, आओ. आ जाओ दिव्या. फादर आत्मा को बुलाना है, लड़की को रूम में नहीं. आओ दिव्या, आओ. वो उसे एक्सप्लेन करते हैं कि उसके रेप में इनका कोई हाथ नहीं था,
But you guys knew Rajesh raped her. और तुम लोग उसकी शादी में पार्टी कर रहे थे. If I were Divya, I would have killed you guys too. But the star of the movie is Atul, जो अपने घर से रॉकेट लॉन्चर लिए बिना नहीं निकलता. लेकिन धीरे धीरे सब मारे जाते हैं. And now the last target is Vivek, जिसको तो कपिल भी सीरियसली नहीं ले पा रहे हैं. विवेक को बचाने आता है उसका भाई, who was also Divya's boyfriend. करण? Divya? विवेक हॉस्पिटल में है. Really? Now you're surprised? तब कुछ समझ में नहीं आया when you saw her glowing and shit. क्या पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं लोग? In the final showdown, watch them embrace the full potential of their safety harness and just go wee 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 wee. Seriously, it's so dumb you might just want to watch it. It's kind of entertaining. Jani Dushman, ek aand khoti kahani. Oh, hello, DCs. If you enjoyed the video, then make sure you hit that like button. You can subscribe if you loved it and follow us on Instagram @only_DC. All right, so I'll see you guys in the next one. Peace.